अफगानिस्तान के फौजी हुकाम के मुताबिक अमरीकी फौज ने 20 बरस बाद जब बगराम का फौजी अड्डा छोड़ा तो उन्होंने बिजली बंद करके रात की तारीकी में फजाई अड्डे के नए अफगान कमांडर को बताए बगैर ऐसा किया और उन्हें इस बारे में अमरीकी अफवाज के जाने के कई घंटों बाद पता चला। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक लाजमी करें। जनरल मीर असदुल्ला कोस्तानी जो बगराम के नए कमांडर हैं ने बताया कि अमरीकी अफवाज ने बगराम के फौजी अड्डे को सुबह 3 बजे छोड़ा और अफगान फौज को इस बारे में कई घंटों बाद खबर हुई। पीर के रोज अफगानिस्तान की फौज की जानब से मीडिया को इस फौजी अड्डे का दौरा करवाया गया जो अमेरिका की तालिबान को शिकस्त देने की जंग और 9/11 के हमलों में मुलव्वस अलकायदा के अहदेदारों को पकड़ने के लिए बनाया गया था। खबरस्तां अदारे एसोसिएटेड प्रेस से बात करते हुए इनका कहना था कि हमने ऐसी अफवाहें सुनी कि अमरीका ने बगराम छोड़ दिया है और आखिरकार सुबह 7 बजे तस्दीक हुई कि उन्होंने बगराम वाकई छोड़ दिया है। अमरीका ने गुज़श्ता जुमे के रोज ऐलान किया था कि इसने अगस्त में फौज के मुकम्मल इनखला से कबल अफगानिस्तान में अपने सबसे बड़े फजाई अड्डे बगराम को खाली कर दिया है। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक अमरीका की फौजी तर्जमान कर्नल सोनी लेगेट ने अफगान फौज की जानब से की गई इस शिकायत का जवाब तो नहीं दिया लेकिन उन्होंने गुज़श्ता हफ्ते के एक ऐलामिये का जिक्र जरूर किया। इस ऐलामिये के मुताबिक सदर जो बाइडन की जानब से अप्रैल के वसत में अफवाज के इनखला के ऐलान के बाद मुतअद्दिद फौजी अड्डों के इंतजाम की मुंतकिली अमल में लाई जा सकेगी। सोनी लेगेट ने इस ऐलामिये में कहा था कि इसकी जानब से इनखला से मुतल्लिक तफसीलात अफगान रहनुमाओं से शेयर की जाएंगी। अफगान फौजी हुकाम के मुताबिक अफगान फौज की जानब से फजाई अड्डे का इंतजाम संभालने से कबल ये अड्डा डाकुओं की छोटी सी फौज के रहमो करम पर था जिन्होंने बैरकों में लूट मार शुरू की और फिर गोदामों तक पहुंच गए जिसके बाद बिलाकर उन्हें जहां से बेदखल किया गया। 10 साल से अफगान फौज से मुंसलिक अब्दुल रऊफ का कहना था कि पहले पहल हमें ऐसे लगा कि शायद ये तालिबान हैं। उन्होंने कहा कि अमरीकियों ने काबुल एयरपोर्ट से कॉल करके बताया कि हम काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। उधर जनरल कोस्तानी ने इस बात पर जोर दिया कि अफगान नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस फोर्स तालिबान को हाल ही में मिलने वाली मुतअद्दिद कामयाबियों के बावजूद इस किलानुमा फौजी अड्डे का दिफा करने की सलाहियत रखते हैं। इस फजाई अड्डे में 5,000 कैदियों की एक जेल भी मौजूद है जिसमें इतलाहात के मुताबिक अक्सर तालिबान मौजूद है। तालिबान की जानब से हाल ही में हैरत अंगेज रफ्तार के साथ अफगानिस्तान के मुख्तलिफ असलाह पर कब्जा एक ऐसे वक्त में देखने में आ रहा है जब नीटो और अमरीकी फोर्सेस का मुल्क से इनखला शुरू हो रहा है। गुज़श्ता हफ्ते तक नीटो के अक्सर फौजी खामोशी से मुल्क छोड़कर जा चुके थे। अमरीकी फौजियों की आखिरी खेप तुर्की के साथ काबुल के हामद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हफाजत के मुआहदे की तकमील तक यही रहेंगी। दरअसल ना सिर्फ गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान सैकड़ों अफगान फौजियों ने तालिबान से लड़ने की बजाय सरहद पार ताजिकिस्तान में पनाह ली है। जनरल कोस्तानी का कहना है कि जंग में कभी कभार आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो आपको पछताई का सामना भी करना पड़ता है। जनरल कोस्तानी का कहना था कि अफगानिस्तान की मिलिट्री अपनी हिकमत अमली बदलते हुए स्ट्रेटेजिक अहमियत रखने वाले अजला पर तवज्जो दे रही है। उन्होंने कहा कि हम कुछ ही दिनों में इनका इंतजाम वापस ले लेंगे लेकिन यह नहीं बताया कि वो ऐसा कैसे कर पाएंगे। अफगान फौजी जो पीर को इस फजाई अड्डे का इंतजाम संभालने के बाद इसका दौरा कर रहे थे अमरीकी अफवाज के खामोशी से इनखला के तरीकाकार के बारे में बहुत तनकीद करते दिखाई दिए यानी उन्होंने अफगान फौजी जो इस इमारत की हिफाजत पर मामूर थे इनको भी जाने से पहले नहीं बताया। एसोसिएटेड प्रेस से बात करते हुए अफगान फौजी नेमतुल्ला ने कहा कि एक रात में उन्होंने
20 सालों का अच्छा ताल्लुक खत्म कर दिया और जो अफगान फौजी इस इमारत के बाहर खड़े इसकी हफाजत कर रहे थे उन्हें भी इसके बारे में नहीं बताया। अफगान फौजी अब्दुल रऊफ, जिन्होंने तालिबान के गढ़ समझे जाने वाले सूबे हिलमंद और कंधार में भी खिदमात सर अंजाम दी हैं, कहते हैं कि अमरीकी फौजियों की जानब से जुमे को चुपके से अड्डा छोड़ने के 20 मिनट पहले बिजली बंद कर दी गई थी और जहां घुप अंधेरा हो गया था। उन्होंने कहा कि अचानक होने वाला अंधेरा मुकामी लुटेरों के लिए एक इशारे की मानिंद था। वो अड्डे के शमाल से दाखिल हुए और वहां मौजूद रुकावटों को तोड़ते हुए उन्होंने इमारतों में लूट मार शुरू कर दी और जो हाथ आया वो उठाते चले गए। पीर को अमरीकी फौजियों के अड्डा छोड़ने के 3 रोज बाद भी अफगान फौजी इनकी जानब से छोड़ा गया कचरा साफ कर रहे हैं, जिसमें पानी की बोतलें, कैंस और एनर्जी ड्रिंक की खाली बोतलें शामिल हैं। खबरसा अदारे AFP के मुताबिक अमरीकी फौजियों की जानब से बगैर बताए अड्डा छोड़ने के बाद अफगान फौजियों पर जहां कैद हजारों तालिबान कैदियों और मुमकिन तौर पर तालिबान की जानब से होने वाले हमले का मुकाबला करने की जिम्मेदारी है। अमरीकी अफवाज के जाने के बाद सिक्योरिटी में आने वाला ये खला अफगान फौजियों को पुर करना है। कोहस्तानी ने यह माना कि इनकी फोर्सेस इतनी ताकतवर नहीं है जितनी अमरीकी हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम अपना मुवाजना अमरीकियों से करें तो दोनों में बहुत फर्क है, लेकिन हमारी सलाहियतों के मुताबिक हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और अपनी आवाम को महफूज करने की कोशिश कर रहे हैं। काबल से 50 किलोमीटर के फासले पर मौजूद ये फजाई अड्डा दारुल हुकूमत की सिक्योरिटी के एतबार से इंतहाई अहमियत का हामिल था और ये मुल्क के शमाली इलाकों के लिए भी बेहतरीन कोर फराहम करता था। कोहस्तानी का कहना था कि उन्हें अभी से इस बारे में खबरें मौसूल हो रही हैं कि अड्डे से मुतसिल दई इलाकों में तालिबान की नकल हरकत बढ़ रही है। ये फौजी अड्डा एक वसी इलाके पर कायम है और यूं महसूस होता है कि शायद यहां एक छोटा सा शहर आबाद था जो सिर्फ अमरीकी और नीटो फोर्सेस के जेर इंतजाम था। इसकी वसत देखने के काबिल है और जहां मौजूद सड़कें बैरक से होती हुई इमारतों तक पहुंच जाती हैं, जहां 2 रनवे भी मौजूद हैं और तैयारों के लिए पार्किंग की 100 जगहें भी मौजूद हैं, जिनके इर्द गिर्द धमाकों से महफूज रखने वाली दीवारें मौजूद होती हैं। एक रनवे 12,000 फुट लंबा और इसे सन 2006 में तामीर किया गया था, जहां एक मुसाफिरों के बैठने के लिए लाउंज भी मौजूद है, एक 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल और हैंगर के हुजम के टेंट भी मौजूद हैं, जिनमें फर्नीचर भी पड़ा हुआ है। जनरल कोहस्तानी का कहना है कि अमेरिका ने 35 लाख अशिया छोड़ी हैं, जिनकी फहरिस्त यहां से जाने वाले अमेरिकी फौजियों की जानब से बनाई गई थी। इनमें हजारों पानी की बोतलों, एनर्जी ड्रिंक्स और फौज के लिए बने बनाए खाने, जिन्हें MRE कहा जाता है, शामिल है। उन्होंने कहा कि जब आप 35 लाख अशिया की बात करते हैं तो इनमें फोन, दरवाजों के हैंडल, बैरक्स में लगी हर खिड़की और दरवाजा भी शामिल है। ताहम इनमें अक्सर कीमती अशिया में सिविलियन गाड़ियां, जिनमें से अक्सर की चाबियां मौजूद नहीं, और सैकड़ों बख्तर बंद गाड़ियां भी शामिल है। जनरल कोस्तानी के मुताबिक अमरीका की जानब से छोटा असला भी छोड़ा गया है और इसके साथ गोलियां भी मौजूद हैं, लेकिन जाने वाले फौजी भारी असला अपने साथ ले गए। अगर तालिबान बुगराम पर काबिज होने में कामयाब हो जाते हैं तो ऐसा पहली मरतबा नहीं होगा। ये एयरफील्ड अमेरिका की जानब से सरद जंग के दौरान अपने अफगान इतिहादियों के लिए 1950 में बनाई गई थी। ताहम सोवियत यूनियन ने जहां 1979 में हमला करने के बाद इसे मजीद वसी कर दिया था। रूसियों के इनखला के बाद इसका इंतजाम मास्को की हमायत याफ्ता हुकूमत के पास था और इसके बाद इसका इंतजाम सन 1990 की खाना जंगी के बाद मुजाहिदीन इंतजामिया के पास रहा। एक मरतबा ये इतलात भी सामने आई थी कि 3 किलोमीटर लंबे रनवे का एक सिरा तालिबान के कंट्रोल में था और दूसरा सिरा मुखालिफ अलाइंस के।
बुगराम आखिरकार तालिबान के हाथ में 90 की दहाई के औसत में आया, जब मुल्क के अक्सर इलाकों में तालिबान का कंट्रोल था। ताहम सितंबर 11 के बाद से अमरीका ने इस फजाई अड्डे का कंट्रोल संभालते हुए जहां से तालिबान और अलकायदा के खिलाफ हमलों का आगाज किया था।